मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, आप सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो सीरीज के इस क्रम में अब हम अपना सब्जेक्ट CS 210, सब्जेक्ट नेम डीसी मेंटेनेंस इंटरवल शूटिंग्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट में हम क्या कुछ सीखेंगे। डीसी मतलब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, मेंटेनेंस का मतलब होता है कि उसका रखरखाव कैसे करना है, और ट्रबल शूट का मतलब होता है कि उसको कोई समस्या आती है तो उसको दूर कैसे करना है। अब ये जो ट्रबल शूट का जो मीनिंग है, ट्रबल शूट, क्योंकि अब हम जब पीसी की बात करते हैं तो पीसी बेसिकली जब हम पीसी की कंप्लीट बात करते हैं तो पीसी में हार्डवेयर होता है और आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दुरुस्त रखना ही मतलब पीसी को या कंप्यूटर सिस्टम को दुरुस्त रखना ही होता है, ठीक है। तो जब भी हम पीसी मेंटेनेंस की बात करते हैं तो उसके हार्डवेयर की मेंटेनेंस और उसके सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस की बात करते हैं। अब देखिए, हार्डवेयर मेंटेनेंस से तो मतलब सबको समझ में आता है कि जो हार्डवेयर है, जो हार्ड पार्टिकल है, जो विजिबल है, ठीक है, जिसको हम जो विजिबल है, जिसको हम छू के महसूस कर सकते हैं, जिसको देख के महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर पार्ट होता है। और सॉफ्टवेयर पार्ट बेसिकली लॉजिकल कंपोनेंट होता है जो हमें दिखता नहीं है, बट कंप्यूटर का जो भी काम होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर ही बेसिकली क्या करता है, हार्डवेयर से काम करवाता है, ठीक है। ये चीज़, ये सारी बातें हम अपने फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट में सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ है, जब हम पीसी मेंटेनेंस की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं कि उसका हार्डवेयर को कैसे मेंटेन रखना है और उसके सॉफ्टवेयर को किस तरीके से मेंटेन रखना है, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से जब अपन ट्रबल शूटिंग की बात करते हैं, ट्रबल शूटिंग का मतलब ट्रबल शूटिंग को आप ब्रेक करोगे तो दो वर्ड्स है, एक तो ट्रबल से और शूटिंग है। शूटिंग का मतलब दूर करना, दुरुस्त करना, ट्रबल कोई समस्या को दुरुस्त करना या उस समस्या से निजात पाना। तो जब भी अपन ट्रबल शूटिंग की बात करते हैं तो वही कंसर्न आता है, या तो कई बार कोई समस्या आती है, कोई एरर आ रहा है, जब आप कंप्यूटर रन कर रहे हो तो बड़े सॉफ्टवेयर आप रन करने की कोशिश करते हो तो नहीं चल पाता है, तो आपको एक्चुअल में ये देखना पड़ता है कि वो सॉफ्टवेयर जिस हार्डवेयर पर रन करेगा, जिस मशीन पर रन करेगा, क्या वो मशीन उसके लिए कॉम्पेटेबल है। अगर कॉम्पेटेबल होता है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली उसका एक रिक्वायरमेंट क्या है, हार्डवेयर इस पर रन होने लायक है। इसके अलावा जब वो एग्जीक्यूशन मोड में होता है, जब आप रन मोड में होते हो, तो क्या वो हार्डवेयर सफिशियंट रिसोर्सेज उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये थोड़ी सी डीप बात होगी। बट हम जब भी बात करते हैं ट्रबल शूट की तो हम हार्डवेयर ट्रबल शूट की भी बात करते हैं और सॉफ्टवेयर ट्रबल शूट की। हार्डवेयर ट्रबल शूट में हम बोल सकते हैं कि कोई चीज़ ख़राब हो गई, रैम ख़राब हो गई, तो आप रैम रिप्लेस कर सकते हो, मदरबोर्ड में लगा हुआ कोई डिवाइस ड्राइवर जो उसका चिप होता है वो काम नहीं कर रहा, तो उसको आप रिपेयर करवा सकते हो, ठीक है। तो ये हार्डवेयर मेंटेनेंस की ट्रबल शूट की बात होती है। और सॉफ्टवेयर ट्रबल शूट की जब अपन बात करते हैं तो कई बार कुछ सॉफ्टवेयर रन नहीं करते हैं, तो सबसे पहले आपने देखना पड़ता है उसकी कॉम्पेटेबिलिटी, क्या वो उस हार्डवेयर पर रन करने लायक है या नहीं। अगर है और रन हो रखा है तो उसमें कुछ एरर आ रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ चीज़ करप्ट हो सकती है, कुछ फाइल इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती, तो हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करना पड़े या उसका कोई अपडेटेड वर्जन आपको उसमें डालना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से अपन पीसी मेंटेनेंस ट्रबल शूट जो सब्जेक्ट है, इसमें हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को किस तरीके से उनको मेंटेन करना है, उसकी समस्याओं को दूर करना है, और सॉफ्टवेयर का किस तरीके से अपने को मेंटेन करना है, और उसको किस तरीके से अगर समस्या आती है उसको दूर करना है, ये सारी चीज़ें अपन इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करें। देखिए, चैप्टर वन में कंसिडर कर रहा हूँ कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जब अपन बात करते हैं तो बेसिकली प्रिवेंटिव नाम से मतलब है कि
आपने इस तरीके से सिस्टम को इंस्टॉल किया है, आपने इस तरीके से साइट को तैयार किया है, ठीक है, कि आपने इस तरीके से अपना साइट तैयार किया है कि उसके आने वाले समस्याओं का आपने पहले से भाप लिया और आपने इस तरीके से इंस्टॉलेशन किया है ताकि जो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो उसको बचा जा सके। प्रिवेंट का मतलब पहले से तैयारी करना, ठीक है। अगर कोई भी समस्या आपको पता है ये पॉसिबल है तो उसके लिए पहले से तैयारी करना। तो मेंटेनेंस का मतलब वही रख रखाव को पहले से आप इस तरीके से रख रखाव करें कि जो भविष्य में अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है वो ना आ सके। तो एक्चुअली ये जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की अपन बात करते हैं, ये एक समय जो साइट प्रिपरेशन है, ठीक है, जब आप सिस्टम्स को इंस्टॉल करते हो, सिस्टम्स को इंस्टॉल करना मतलब जब सिस्टम्स को साइट पर रखा जाता है, चलने के लिए तैयार किया जाता है, तो उससे पहले उसके आसपास के वातावरण को भी सेट किया जाता है। तो बेसिकली इस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में वो साइट प्रिपरेशन भी आता है, ठीक है। तो अपन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की डेफिनेशन भी देखेंगे, गोल्स देखेंगे, इसका एडवांटेज देखेंगे और कौन कौन सी अपन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जब अपन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, सबसे पहले तो क्लीनिंग दीज कंपोनेंट्स, ठीक है, व्हाट मटेरियल्स आर नीडेड फॉर क्लीनिंग, ठीक है। अब ये क्लीनिंग पीसी कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, देखो ये क्लीनिंग सिर्फ हम भी उन कंपोनेंट्स की कर सकते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, तो ये हार्डवेयर पार्ट हो गया। अब जब आप हार्डवेयर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को साफ करने की बात करते हो तो उसके लिए भी कौन कौन से मटीरियल आपको यूज़ करने हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी मटीरियल यूज़ करके क्लीन करने लगे, ठीक है, इट कैन डैमेज योर सिस्टम आल्सो, तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफन यू शुड क्लीन पीसी, आपको अपने जो पीसी कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको कितना रेगुलरली क्लीन करना होता है, ठीक है, व्हाट यू कैन क्लीन, आप क्या क्या क्लीन कर सकते हैं, और जब डस्ट और डर्टी इन्वायरमेंट होता है तो उसकी क्या समस्याएं होती है वो अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। अब ये डिस्क क्लीनर की जो अपन बात कर रहे हैं, देखो ये डिस्क क्लीनर की जो बात होगी ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड डिस्कशन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ है। अभी तक क्लीनिंग पीसी कंपोनेंट्स तो वो हो गए जो अपन समझते हैं। इसी तरीके से जब सिस्टम को तैयार कर लिया जाता है तो सिस्टम के अंदर डिस्क क्लीनअप भी होता है, जिसमें अनवांटेड, कई बार जब काफ़ी टाइम का सिस्टम रन करता है तो अनवांटेड फाइल्स उसमें स्टोर होता चला जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको क्लीन कर लिया जाए ताकि सिस्टम इफेक्टिवली काम कर सके, ठीक है। तो इसके लिए डिस्क क्लीनिंग टेक्निक सब अपन यूज़ करते हैं, अननीडेड फाइल्स को अपन दूर करते हैं और रिसाइकल बिन को हम देखते रहते हैं कि इस रिसाइकल बिन में कितना फाइल्स जमा होता है। देखिए रिसाइकल बिन का काम क्या होता है, आप जो भी फाइल डिलीट करते हो वो रिसाइकल बिन में स्टोर होता है, फाइनली डिलीट होने से पहले वो रिसाइकल बिन में स्टोर होता है, ठीक है। फिर हम डीफ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, डिस्क डीफ्रेगमेंटर फ्रेगमेंटेड एनालाइजर वॉल्यूम डीफ्रेगमेंटर वॉल्यूम। अब देखिए ये डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब एक टोटल हार्ड ड्राइव दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 1 TB का हार्ड ड्राइव है, ठीक है, और आपको इस 1 TB के हार्ड ड्राइव में आपने पार्टीशन क्रिएट करने, जैसे सी ड्राइव देखा है, डी देखा, ई देखा, एफ देखा, ये इफेक्टिवली फ्रेगमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक ही इस ड्राइव का सिर्फ एक ही मेन पार्ट होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें, जैसे हम कई कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करते हैं तो कोशिश करते हैं अपन सी ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और बाकी जो भी एक्सटर्नल जो सॉफ्टवेयर अपन यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से उसको अपन जो मतलब या जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से वो भी सी ड्राइव में स्टोर सेव होते हैं स्टोर होते हैं। डी ड्राइव और ई ड्राइव आप स्टोरेज एज जैसे एप्लीकेशन का जो आउटकम होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई वीडियो फाइल्स हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, और जो भी फाइल्स जिस पर आप काम करते हैं बनाते हैं काम करने के बाद, तो डी ड्राइव में इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर अपन वायरस स्कैन की बात करते हैं, वायरस स्कैन किस तरीके से करना होता है, फाइल एंड फोल्डर कंप्रेशन, ठीक है। अब ये कंप्रेशन क्यों यूज़ करते हैं, फाइल एंड फोल्डर इसमें कैसे होता है वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। इफेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक पावर एंड वोल्टेज, एटॉमिक वोल्टेज रेगुलेटर्स,
देखिए, जब अपन कंप्यूटर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे एक मेजर कंपोनेंट होता है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई उसको कैसा मिल रहा है, तो कैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, और जब इलेक्ट्रिक सप्लाई आप दे रहे हैं किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ें भी अपन देखते हैं। ठीक है, अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की डेफिनेशन की जब मैं बात करूँ तो ये होता है, इट इज़ अ प्री डिफाइंड वर्क परफॉर्म्ड टुवर्ड्स शेड्यूल विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग द वेरिएबिलिटी और सडन फेलियर ऑफ देखिए, इसका मतलब ये है कि प्री डिफाइंड वर्क है, ये पहले से ही किया हुआ काम है जो भविष्य में होने वाले टूट फूट या अचानक से कोई फेलियर हो जाए, सिस्टम खराब हो जाए, तो उसको ध्यान में रखो, पहले से ही काम करो, पहले से आप ये तैयारी करके रखो। ठीक है, इट इज़ अ स्केड्यूल्ड प्लांट मेंटेनेंस, पहले से प्लांट मेंटेनेंस होता है जो कोशिश करता है कि आपका ब्रेकडाउन और फेलियर को ना होने। ठीक है, ओपन एब्रीवेटेड है, इसको तो पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, एब्रीवेशन इस पर पीएम है। ठीक है, एंड इट इज अ सर्विस गिवन फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेटिंग कंडीशंस बाय प्रोवाइडिंग सिस्टमैटिक इंस्पेक्शन एंड करेक्शंस ऑफ फेलियर आइदर बिफोर दे अदर और दे डेवलप इनटू मेजर डिफेक्ट्स। तो बेसिकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की अपन बात करते हैं कि कोई भी पॉसिबिलिटी अगर हो इसके फेल होने की, सिस्टम के फेल होने की या कुछ उसकी जरूरत हो तो अपन पहले से इसकी अरेंजमेंट करते हैं ताकि उससे बचा जा सके। गोल्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस गोल्स क्या है, बेसिकली इसी है, इज कंडक्टेड टू कीप वर्किंग एंड फॉर एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट। तो बेसिकली अगर अपन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम या कुछ चीज़ें इतनी सुविधाजनक कर देते हैं, इससे क्या होता है कि कोई इक्विपमेंट की एक लाइफ होती है उसकी लाइफ को बढ़ा दिया जाता है, उसकी इफेक्टिव वर्किंग को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, कंडक्टेड गेट इक्विपमेंट वर्किंग अगेन समटाइम्स कॉल्ड कंडक्टेड गेट इक्विपमेंट वर्किंग अगेन समटाइम्स कॉल्ड रिपेयर। ठीक है, टू प्रिवेंट द फेलियर ऑफ इक्विपमेंट बिफोर इट अकर्स, मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनके फेलियर को दूर किया जा सके होने से पहले। ठीक है, इसलिए ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आवश्यक है। प्रिजर्व्स एंड एनहांस इक्विपमेंट रिलायबिलिटी बाय रिप्लेसिंग वन कंपोनेंट बिफोर दे एक्चुअली फेल। ठीक है, तो बेसिकली रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में इन्वेस्ट करते हो, जब आप साइट प्रिपेयर करते हो तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की भी बात वहाँ पर करते हो, और इस तरीके से अगर आप इस पर इन्वेस्ट करते हो या इस पर अपना टाइम देते हो मेंटेनेंस के लिए, तो बेसिकली क्या होता है कि आप अपने जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम जो चल रहा है, उसका विश्वसनीय हो जाता है कि ये चीज़ें काम करेगा, आगे भी काम करेगा और जो रिजल्ट आउटपुट ये देगा वो बहुत सही होंगे। एडवांटेजेस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, बेसिकली गोल्स और एडवांटेजेस यहाँ पे आपको कई वहाँ दिखाई देंगे, फिर भी अभी इसे देखते हैं। प्रोटेक्ट एसेट्स एंड ऑल द यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, तो ये हमारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है और जो इक्विपमेंट की जो प्रोडक्टिव लाइफ होती है, ठीक है, उपयोगिता को बढ़ा देता है और विश्वसनीयता बढ़ाता है। डिक्रीज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, देखिए जितना खर्चा आप कोई चीज़ खराब हो जाने के बाद करो, जैसे मान लो अगर ब्रेक लगा हुआ सिस्टम है रैम और 8 GB का रैम, तो आपको टाइम टू टाइम उसको क्लीन करते रहो, अदरवाइज फिर जब एनवायरनमेंट चेंज होती है, एनवायरनमेंट की वजह से जब क्लाइमेट चेंज होता है, ह्यूमिडिटी, रेन सीजन, हीट एंड कोल्ड, तो वहाँ पर अगर आप टाइम टू टाइम उसको क्लीन नहीं करते हो तो क्या होता है, वो डैमेज हो सकता है। अब क्लीनिंग का क्या कॉस्ट है, क्लीनिंग का बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट है, आपको उसको जस्ट क्लीन करना है। ठीक है, बट क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कई बार रैम जो चिप्स लगी होती है वहाँ सुरक्षित हो जाता है। अब आप 8 GB रैम को रिप्लेस कर रहे हो, उसका कॉस्ट 1000 भी बहुत होता है, इट इज़ मोर मोस्ट कॉस्टली। ठीक है, तो बेसिकली एक एडवांटेज ये भी है कि जो रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट होती है उससे भी आप उसको बच सकते हो। डिक्रीज सिस्टम डाउन टाइम, ठीक है, डाउन टाइम मतलब जल्दी खत्म होने का जो समय होता है उसको कम कर देता है और अपनी इंजरी को बिल्कुल रिड्यूस करता है। अब देखिए क्लीनिंग ऑफ कंपोनेंट की अपन बात करें तो क्लीनिंग ऑफ कंपोनेंट कौन सा होता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू क्लीन योर कंप्यूटर पीरियोडिकली टू इंश्योर दैट इट विल फंक्शन प्रॉपर्ली एंड हैव अ लॉन्ग लाइफ। एंड यू क्लीन योर कंप्यूटर, यू नॉट ओनली इम्प्रूव द फिजिकल अपीयरेंस बट यू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है,
क्लीन करने की बात कर रहे हैं, जनरली वी शुड ट्राई टू क्लीन योर सिस्टम एवरी 3 to 6 months, और 3 से 6 महीने में आपको कंप्यूटर को क्लीन करना होता है। इफ़ यू यूज योर कंप्यूटर ऑफर एंड इट इज इन वेरी डस्टी इन्वायरमेंट, यू शुड क्लीन इट इन एवरी, हर 3-4 महीने में जितना डस्टी इन्वायरमेंट में बाहर ना काम करो और अपने सिस्टम पर काम करो, और 3-4 महीने में आपको उसको ठीक से क्लीन करना होता है। And if you use your computer specially in a fairly dust-free environment, you don't need to clean it as often. So, देखिए अगर जब dust नहीं है और काम करो तो भी आपको 5 से 6 महीने में उसको क्लीन करना है। ठीक है, क्लीन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है टू ओपन द कंप्यूटर केस। देखिए कंप्यूटर केस को ओपन करने के लिए एंड कैन ऑफ कंप्रेस्ड एयर टू ब्लो अवे डस्ट इनसाइड, आपको एक ब्लोअर चाहिए होता है जो उसके अंदर लगी डस्ट है उसको दूर कर सके, या जैसे आप इसके अलावा आपको क्लीनिंग लिक्विड की आवश्यकता हो सकती है, रबिंग एल्कोहल आप यूज़ कर सकते हो, माइल्ड क्लीनिंग एजेंट जैसे डिस डिटर्जेंट मिक्स विद वाटर, ठीक है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको एक कॉटन ट्यूब चाहिए होता है, तो कॉटन स्वेप्स होता है, रूई सबके कॉटन रूई जैसा होता है, तो आप वो क्लॉथ यूज़ कर सकते हो, पेपर टावल कॉटन क्लॉथ, ठीक है, जो पेपर टावल्स होते हैं, टिश्यू पेपर्स होते हैं, तो बहुत सही होता है वो यूज़ करते हैं, तो आप बहुत यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर योर कंप्यूटर स्टैंड ऑन बिफोर यू बिगिन द क्लीन। देखिए जब भी आप क्लीनिंग स्टार्ट करें तो सिस्टम में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर ऑन द ग्राउंड अटैक ऑन डस्ट एंड ऑन एलिवेटेड ऑन द प्लेटफॉर्म, तो आप अपने सिस्टम्स को इस तरीके से रखो कि वो जो ग्राउंड है उससे एलिवेटेड हो, किसी टेबल पर रख सकते हो, स्टूल पर रख सकते हो, ताकि उसमें डस्ट ना आए। स्टडी कर अटैक जस्ट वाइपिंग डाउन योर कंप्यूटर विद अ सॉल्यूशन ऑफ 1.5 विनेगर एंड 1.5 वाटर विल बी नाइस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, स्टेटिक करंट होता है तो वो डस्ट को अट्रैक्ट करता है, तो इसमें आप आधा विनेगर और आधा पानी का ऐसा सॉल्यूशन तैयार कर सकते हो, उससे क्लीन करो तो जो स्टेटिक चार्ज होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और उससे डस्ट नहीं आती सिस्टम। व्हाट यू कैन क्लीन, आप जो देखते हो आप क्या क्या साफ कर सकते हो, जो केसिंग होती है उसको साफ कर सकते हो, माउस को क्लीन कर सकते हो, कीबोर्ड क्लीन कर सकते हो, डीवीडी और सीडी को क्लीन कर सकते हो, फ्लॉपी ड्राइव हार्ड ड्राइव मॉनिटर स्क्रीन, क्लीनिंग द मॉनिटर केसिंग, क्लीनिंग द इनसाइड ऑफ द कंप्यूटर क्लीनिंग, डस्ट एंड डर्टी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। तो देखिए जब आपके सिस्टम ऐसे इन्वायरमेंट में रखा है जो आसपास धूल धूल मिट्टी होता है या गंदा है, तो वहाँ पे क्या क्या समस्या हो सकती है, ठीक है, सबसे बड़ी समस्या आपको क्रिएट कर सकता है आपके मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड पर अगर डस्टी डस्ट बहुत ज़्यादा होगी तो जो सर्किट्स बने हुए हैं तो करंट फ्लो होने में कई बार इश्यूज आता है, तो आपका जो प्रोसेसर होता है प्रोसेसर के ऊपर जो पावर सप्लाई करने वाला फैन होता है उसमें भी अगर डस्ट होती है तो फैन की इफेक्टिवनेस से काम हो जाती है, प्रोसेसर बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, और कई बार ज़्यादा हीट होने की वजह से शॉर्ट सर्किट के कारण प्रोसेसर खराब हो सकता है, मदरबोर्ड बंद होता है खराब हो सकता है। तो सीडी ड्राइवर्स लेंस से जो भी ड्राइवर्स है, क्योंकि बेसिकली ये तो आप सब लोगों को जल्दी होगा, तो आपकी सीडी ड्राइवर जो होता है वो सबसे जल्दी खराब होती है। पर्सनल लैपटॉप या सिस्टम जब आप यूज़ करते हो रेगुलरली उसको क्लीन नहीं करते तो बहुत जल्दी खराब होता है। द एडिंग प्लांट कनेक्शन द केबल कनेक्शन द माउस एंड द कीबोर्ड, ठीक है, तो केबल कनेक्शन को आप क्लीन कर सकते हो, माउस है डस्टी, क्या होता है कि बेसिकली वो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आप देखते हो सीपीयू मॉनिटर एंड माउस ये सब आपस केबल में कनेक्टेड होते हैं, तो जिस बोर्ड में जाकर कनेक्टेड होते हैं वहाँ पर डस्ट अगर ज़्यादा होगी तो कई बार ये बिल्कुल भी काम ही करेंगे, तो ये चीज़ें अगर बहुत ही ध्यान रखें कि अगर उन्हें क्लीन कर जाए। डोंट यूज एनी पावर पावर सप्लाई यूज नॉ कंप्रेस एयर टू क्लीन डस्ट फ्रॉम द इनसाइड पावर, ठीक है। क्लीनिंग द कंप्यूटर केस, कंप्यूटर केस को कैसे अपन क्लीन करते हैं, टर्न ऑफ द सिस्टम Unplug the system unit power connector from the wall outlet, spray a gentle cleaner on your hair thick cloth, then clean it slowly and don't put too much liquid on the cloth where it might drip to any computer inside of the computer. ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप है, जब भी आप क्लीन करो कंप्यूटर केस की तो उस पावर बंद कर दो, ठीक है।
सारी चीज़ें को अच्छे से कम कर लो। आप जो भी लिक्विड यूज़ कर रहे हो बहुत कम लो, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनो, धीरे धीरे उसको क्लीन करो, ठीक है। माउस को कैसे क्लीन करना है, इसका बेनिफिट क्या होता है, मैकेनिकल माउस क्लीनिंग एक यू मेक द माउस रन स्मूथ, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा माउस बोल लगे हुए देखे बार बहुत ज़्यादा डस्ट पार्ट कर सकते हैं, कई बार 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 माउस से ही ठीक हो जाता है उसकी वजह से, तो टाइम टू टाइम आपको उसको क्लीन करना होता है, वो ध्यान रखें। आप कैसे अपने तरह से काम करते हैं पीसी को और माउस के होल को निकाल दें, पीछे से जो सी पी यू लगी हुई होगी माउस के ऊपर नीचे करें और स्क्रीन सिक्योरिंग इसको माउस के साइड वीडियो को माउस बोल के माउस बोल के उसको निकाल रहे हैं उस केविटी को अच्छे से साफ करें, ठीक है। इसी तरीके से कीबोर्ड को क्लिक करते हैं पेन क्लीनिंग योर कंप्यूटर कीबोर्ड डू नॉट ओनली रिजल्ट इन स्टिकी फ्री कीज बट आल्सो इंश्योर्स दैट योर कीबोर्ड विल कंटिन्यू टू फंक्शन प्रॉपर्ली बाय रिमूविंग डर्ट डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स दैट कैन डैमेज द कीबोर्ड सर्फेस। तो व्हाइल वर्किंग ऑन अ पीसी समथिंग इज स्पिल्ड इन टू द कीबोर्ड रिमूव द कीबोर्ड केबल फ्रॉम कनेक्शन एंड ब्रेक द पीसी डू नॉट लेट। जब आपके कीबोर्ड पर कुछ लिक्विड गिर जाता है उसमें से पहले जो कीबोर्ड पीसी पे लगी हुई है उसको निकाल दो, किसी का इंतजार नहीं करना है, पावर बंद कर दो, सिस्टम को शट डाउन कर दो और जो टिप द कीबोर्ड अपसाइड एंड डाउन एंड ड्रेन आउट दिस मैसेज लिख दो, ठीक है। तो कीबोर्ड को उल्टा करके जितना हो सके उस लिक्विड को नीचे गिराने की कोशिश करो, टाइप टू ड्राई द इनसाइड पर अंदर जो लिक्विड रह गया उसको सुखाने के लिए उसके लिए ग्लोवर यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और सन लाइट पर रख सकते हो तो उससे भी कम नहीं होगा, रिकनेक्ट कीबोर्ड के बटन को रिकनेक्ट कर दो और अपने इक्विपमेंट में लेकर कीबोर्ड को ऐसे रखो तो ठीक है। इसी तरीके से डीवीडी और सीडी रोम की क्लीनिंग, टेक अ क्लीन क्लॉथ ओपन एंड डैम्पन इट विद वार्म वाटर, ठीक है। साफ सुथरा कपड़ा लेना है और गर्म पानी में डुबोना है, वाइपर जैसे sent towards the edge of the CD, wiping along the clean with the disc and all the scratches, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस तरीके से क्लीन करना है कि उसके जो लेंस लगा हुआ है उसको स्क्रेचेस ना, ठीक है। प्रिपेयर द सीडी क्लीनर विद एंड द सीडी क्लीनर के साथ उसको सॉफ्ट ब्रश, दो ब्रश होते हैं उसको क्लीन करने के लिए ड्राई एंड वेट कर ओवर द डिस्क एंड ड्रॉप ऑन द क्लीन फुल सिंगल ब्रश इंसर्टिंग द टेप ऑफ क्लीनिंग डिस्क इन टू द सीडी ड्राइव लाइक यू put inside a long and disk and try to open the CD drive from my computer and allow the CD to open the cleaning disk in order to click in and add CD and its paper picture to the CD. इसी तरीके से अपन फ्लॉपी ड्राइव क्लीन करते हैं, मॉनिटर्स को क्लीन करते हैं, ठीक है। तो ये बात जो क्लीनिंग की मैंने आपको बताया कि क्लीनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट्स की क्लीनिंग की, अब अपन ठीक है, अब अपन डिस्क फ्रेगमेंट डिस्क फ्रेगमेंट ओवरव्यू को देखेंगे, तो उसको अपन नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।